यादव पर मैनपुरी सीट को लेकर नजरें टिकी हुई है। उसका कारण है, देखिए कारण ये है कि अखिलेश यादव अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर मैनपुरी सीट पर लगी जो प्रतिष्ठा है, जो प्रतिष्ठा जो दांव पर लगी हुई है, उस प्रतिष्ठा को बचा पाएंगे या फिर नहीं बचा पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा था। हालांकि देखिए अखिलेश यादव ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, पर अब उन्होंने करहल जो कि उनकी सीट है वहां जाकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने बड़ा दावा किया और ये तमाम दावे इस बात से जुड़े हुए थे कि मैनपुरी सीट पर जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव लगातार जीतते आए हैं और लगातार उनका दबदबा कायम रहा है, धरती पुत्र उनको कहा जाता था, धरती से जुड़े वो नेता थे तो जनता के बीच ज्यादातर रहते थे, तो उन्हीं के पदचिन्हों पर हमको चलना है और मैनपुरी सीट को जीत कर दिखाना है। यहाँ उन्होंने ये बोला कि आजमगढ़ तो धोखे से हार गए थे, यहाँ पर आजमगढ़ के बारे में अगर वो बात कर रहे थे, वो दिनेश लाल निरहुआ के बारे में बात कर रहे थे कि आजमगढ़ तो धोखे से हार गए थे, लेकिन अब क्योंकि चाचा शिवपाल का साथ मिल चुका है तो जसवंत नगर सीट के साथ साथ अब मैनपुरी सीट भी हासिल कर लेंगे। अब जसवंत नगर की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि चाचा शिवपाल वहां से विधायक है, आपको मैं बताना चाहूंगी। तो यहाँ अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश की है कि जिस बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि शिवपाल यादव नहीं मानेंगे और शिवपाल यादव आगे जाकर बगावत कर सकते हैं, वो अटकलें, उन अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया अखिलेश यादव ने खुद बयान देकर। तो यहाँ उनका ये बड़ा बयान सामने आया दोस्तों, जहां उन्होंने बोला कि चाचा शिवपाल से भी मिल लिए, उनको लेकर भी चर्चाएं चल रही थी कि नहीं मिलेंगे, अब तो उनसे भी मिल लिए हैं, तो अब निश्चित तौर पर दावा ठोक रहा हूँ कि मैनपुरी सीट तो हमारे खाते में ही आएगी। अब कितने गर्व के साथ, कितने दावे के साथ, मजबूती के साथ अखिलेश यादव ने ये जो दावा किया है दोस्तों, ये दावा धरातल पर कितना असरदार साबित होता है ये देखना होगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।